चलिए देखिए आज का सेशन आप सभी बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास है। इस वीडियो के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 जितने भी बच्चे 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए बायोलॉजी का ये तमाम क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा खास है। और इस वीडियो में आपको जो ना बायोलॉजी का वही प्रश्न बताऊंगा जो कि आपके परीक्षा 2024 में सीधे यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और मॉडल सेट का क्वेश्चन होगा। साथ ही एग्जाम में आपको 110% गारंटी है किसी से आपको बहुत सारा प्रश्न आपको लड़ जाएगा, ठीक है ना। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों बिना विलंब के अपन यहाँ पे कमाल की क्लास की शुरुआत करते हैं गजब और शानदार तरीके से। और यहाँ पर देख सकते हैं बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है और भी 2024 का, तो सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। और जो भी बच्चे चैनल से नहीं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पीडीएफ नहीं लिए तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा, ये 399 रुपये ऑल सब्जेक्ट चार्ज है, ठीक ना। आइए मेरे प्यारे बच्चों आपका पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न आपके स्क्रीन पे देखिए पूछा जा रहा क्या डीएनए के नन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों डीएनए का जो ना नन कोडिंग क्रम जो है ना वो आपका पूछा जा रहा क्या कहलाता है, ये भी आपका देखिए 2019 का क्वेश्चन और काफी ज्यादा खास है। देखिए डीएनए का नन कोडिंग क्रम जो कहलाएगा वो आपका एंट्रोन कहलाएगा, क्या कहलाता है तो एंट्रोन कहलाता है। एक नंबर का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। क्या कहलाएगा डीएनए का नन कोडिंग क्रम एंट्रोन, ठीक ना। तो एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से क्या दो आपके स्क्रीन पे देखिए पूछा जा रहा क्या, देखिए ट्रांस में देखिए प्रति देखिए ट्रांसक्रिप्शन इज डैश। अब देखिए कहने का अर्थ यह हुआ प्रतिलेखन क्या है, ये भी आपका देखिए 2022 का क्वेश्चन और काफी काफी ज्यादा खास है। देखिए ट्रांसक्रिप्शन का बात रहा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। देखिए प्रतिलेखन जो है ना वो आपका संदेशवाहक डीएनए है, क्या है संदेशवाहक डीएनए, ठीक ना। डीएनए का सॉरी आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लियस, ठीक ना। और पीडीएफ नहीं लिए थे नंबर आपको दिख रहा है 7201-95-25-280 पे कॉल करके जल्दी से खरीद लीजिए, आपके लिए बेस्ट ऑफर है, कमाल का ऑफर है, ठीक ना। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों पूछा जा रहा क्या, यहाँ पर देखिए रोध कूट की संख्या कितनी होती है। देखिएगा व्हाट इज द नंबर ऑफ ब्लैक कोट इज डैश। अब देखिए रोध कूट की संख्या कितनी होती है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों रोध कूट का जब भी बात होगा तो आपका 3 होता है, ठीक है ना। रोध कूट की संख्या कितनी होती है 3 होती है। 3 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जरूर भूलेगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर आपके स्क्रीन पे देखिए पूछा जा रहा क्या उत्परिवर्तन समानता कराया जाता। अब देखिएगा उत्परिवर्तन जो ना वो आपका किससे कराया जाता है, देखिएगा खास क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए देखिए उत्परिवर्तन जो कराया जाता है वो आपका किससे कराया जाता है, वह कराया जाएगा गामा किरण से, गामा रे से, ठीक ना। और ये भी देखिए आपका 2021 का क्वेश्चन और काफी खास है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 5 देखिए पूछा जा रहा है क्या, देखिएगा डीएनए से आरएनए, ठीक ना, समझिएगा काफी खास है। डीएनए से संदेशवाहक आरएनए बनने की प्रतिक्रिया क्या कहलाता है डीएनए से। देखिए यह जो कहलाएगा यह आपका वातोत्सर्जन की क्रिया कहलाएगा, क्या कहलाएगा वातोत्सर्जन की क्रिया। तो 5 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। कहते ना मंजिल नहीं इस दुनिया में दूसरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा हिम्मत तो कर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन काफी खास है, देखिएगा अनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं, मोस्ट बीबी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। बताए जरा मेरे प्यारे बच्चों हाउ मेनी कोड आर, ठीक ना, देयर इन ग्रेटी की कोड। अब बताइए जरा कितने अनुवंशिक कूट में जो ना कितने कूट होते थे। देखिए ये स्टूडेंट अनुवंशिक कूट का जब बात होगा आपका 6 कूट होगा, कितना तो 6, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था, बताइए जरा ओपेरॉन मॉडल जो ना आपका कौन प्रस्तावित किया था, मोस्ट वी है ये भी है और काफी ज्यादा आपके लिए खास है। देखिए ओपेरॉन मॉडल जो आपका प्रस्तावित किया था दिया आपका कौन दिया था मेरे प्यारे जेकब तथा मोडास जो था ये आपका ओपेरॉन मॉडल दिया था, जरूर याद रखना। 7 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन से क्या 8 देखिए पूछा जा रहा है मानव में त्वचा के रंगों का वंशागति का उदाहरण क्या। अब बता जरा मानव में जो ना त्वचा के रंगों का वंशागति का पूछा जा रहा है उदाहरण, इनकी एग्जांपल आपका क्या है। तो देखिए यह जो है आपका अधिक जीन की वंशागति, क्या है अधिक जीन की वंशागति, 8वां का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए प्रश्न संख्या आपका देखिए 9 देखिए प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अब बता जरा मेरे प्यारे बच्चों प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया कहां पर संपन्न होती है। देखिए प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया जो आपका संपन्न होता है राइबोसोम में, कहां पर राइबोसोम में होगा जरूर भूलिएगा नहीं। 9 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। और पीडीएफ नहीं तो बार-बार नंबर दे रहा हूं 7201-95-25-280, ठीक ना, इस नंबर पे कांटेक्ट करके पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए आपको तुरंत उसी टाइम पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन संख्या 10 देखिएगा डीएनए अंगुलिका प्रिंटिंग को किसने विकसित किया था। अब बता जरा मेरे प्यारे डीएनए अंगुलिका प्रिंटिंग को किसने विकसित किया था। देखिए एलेक जाफरी जो था वह डीएनए अंगुलिका प्रिंटिंग को प्रस्तावित किया था यानी कि विकसित किया था, जो बोलिए ऑप्शन क्या होगा 20 का बिल्कुल सुधरेगा, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जंपिंग जीन क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आपका खास है। जंपिंग जीन जो है ना क्या कहलाएगा, देखिए जंपिंग जीन जो कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका क्या कहलाता है, वह जो कहलाएगा वो आपका ट्रांसपोसोन कहलाएगा, क्या कहलाएगा जंपिंग जीन किसे कहते हैं ट्रांसपोसोन को, ऑप्शन क्या होगा 20 का बिल्कुल सुधरेगा, ठीक है। सारा का सारा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में सारा क्वेश्चन लड़ जाएगा, एक भी क्वेश्चन एग्जाम्पल से बाहर नहीं रहेगा। चलिए देखिए
12 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन श्रृंखला प्रारंभ कोडोन है? अब बताए जरा मेरे प्यारे बच्चों, श्रृंखला प्रारंभ कोडोन आपका पूछा जा रहा है कौन है 12 नंबर से। देखिए श्रृंखला प्रारंभ कोडोन का ये देखिए यू, देखिए ए यू जी जो है ना ये आपका क्या है श्रृंखला प्रारंभ कोडोन है, तो 12 का क्या होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जरूर याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा खास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जब किसी उत्परिवर्तन में प्यूरिन के स्थान पर जब पिरामिड स्थापित हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? देखिए डेरिवेशन ठीक है ना, समझिएगा, जब किसी उत्परिवर्तन के स्थान पर जो ना पिरामिड आपका उपस्थित कर दिया जाए तो आपका जो ना आपका पूछा जा रहा है इसे क्या कहते हैं? देखिए इसे जो कहते हैं ना 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, इसे कहते हैं इन्वर्सन ठीक ना, क्या कहेंगे इन्वर्सन कहेंगे, जरूर याद रखिएगा ऑप्शन डी। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या 14, जंक डीएनए किसे कहा जाता है, व्हाट इज किल्ड जंक डीएनए का बात रहे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए जंक डीएनए किसे कहते हैं, समझिएगा क्वेश्चन खास है आपके लिए ठीक है ना। तो देखिए जंक डीएनए जो कहलाएगा आपका वो आपका कहलाएगा हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन क्या कहलाएगा जंक डीएनए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए ओकाजाकी फ्रैगमेंटस कब मनाया जाता है, देखिए डियर स्टूडेंट ओकाजाकी फ्रैगमेंटस जो आपका कब मनाया जाता है ठीक ना। चलिए बहुत बढ़िया, काफी खास क्वेश्चन आपके लिए ओकाजाकी फ्रैगमेंटस का बात पे ये आपका पूछा जा रहा है कब मनाया जाता है। देखिए यह जो आपका मनाया जाएगा कब मनाया जाएगा, तो यह आपका मनाया जाएगा कब, देखिए स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है ओकाजाकी फ्रैगमेंटस मनाया जाता है। 14 का नंबर क्या बताया, 14 का राइट आंसर हाँ 13 14। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए स्थानांतरण के पश्चात सॉरी द्विगुणन के पश्चात होगा 15। चलिए बहुत बढ़िया, काफी खास है। चलिए 16 नंबर देख लीजिए, प्रोटीन संश्लेषण ठीक ना, प्रोटीन संश्लेषण के एमीन अम्ल से बनने की प्रतिक्रिया की किसकी आवश्यकता। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटीन संश्लेषण के एमीन अम्ल से बनने की अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है, ध्यान समझिएगा, प्रोटीन संश्लेषण के एमिनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है? एटीपी है ऑप्शन में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ठीक ना, ये आपका क्या होगा ऑप्शन डी इसका एटीपी का आवश्यकता पड़ेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए 17 नंबर, देखिए स्थानांतरण की क्रिया संबंधित है, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों स्थानांतरण की क्रिया जो ना पूछा जा रहा है किससे संबंधित है। देखिए स्थानांतरण की क्रिया प्रोटीन संश्लेषण से आपका संबंधित है क्या, तो स्थानांतरण की क्रिया ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस स्थिति में एफ टू पी डी पर समलक्षणी और समजीनी अनुपात समान होता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, किस स्थिति में एफ टू पी डी पर समलक्षणी और समजीनी अनुपात समान होता है ठीक है ना, बताए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर, बहुत बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा अपूर्ण प्रभाविता क्या होगा, अपूर्ण प्रभाविता ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जाएगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम जरूरी है। अब बताइए जरा डियर, ट्रांसक्रिप्शन के लिए पूछा जा रहा है कौन सा एंजाइम आपका जरूरी है ठीक ना। तो देखिए ट्रांसक्रिप्शन का बात पे ये आपका डीएनए सॉरी आरएनए पॉलीमरेज ठीक ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड साथ ही आपका प्लस क्या होगा पॉलीमरेज, ये आपका जरूरी है किसके लिए, ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम के लिए ठीक ना, तो ऑप्शन क्या होगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विभाजन जीन को विभाजन जीन में कोडिंग क्रम क्या कहलाता है। अब देखिए डियर आपका विभाजन जीन में कोडिंग क्रम आपका क्या कहलाता है, देखिए यह जो कहलाएगा क्या कहलाएगा, चलिए यह कहलाएगा एक्सोन कहलाएगा, क्या कहलाएगा एक्सोन, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा, देखिए बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स होते हैं। अब देखिएगा बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में पूछा जा रहा है कितने बेस पेयर्स होते हैं, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, देखिए यह होगा 10 बेस पेयर्स होगा, कितना 10 बेस पेयर्स हो जाएगा किसमें, तो बी डीएनए के अपूर्ण घुमाव में ठीक ना, ऑप्शन ए होगा। अगला देख लीजिएगा, देखिए राइबोसोम का वृहत समूह क्या कहलाता है, देखिए खास क्वेश्चन आपके लिए, राइबोसोम का वृहत समूह पूछा जा रहा है क्या कहलाता है ठीक ना। तो देखिए राइबोसोम का वृहत समूह पॉली राइबोसोम कहलाएगा ठीक ना, क्या कहलाएगा पॉली राइबोसोम, ऑप्शन क्या होगा डी इसका बिल्कुल सही होगा ठीक ना। कहते हैं ना मंजिल पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो मेहनत जरूर कीजिए आपको सफलता जरूर मिलेगा। और देखिए जो भी बच्चे पीडीएफ नहीं खरीदे तो आपको नंबर दिया गया है, इस पर कॉन्टेक्ट करके खरीद सकते हैं ठीक ना। चलिए आप देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अनुवंशिक पदार्थ कहलाता है, चलिए बहुत बढ़िया, देखिए निम्नलिखित में से अनुवंशिक पदार्थ जो आपका कौन कहलाता है, देखिए अनुवंशिक पदार्थ जो कहलाएगा ये आपका डीएनए कहलाएगा, डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या कहलाता है अनुवंशिक पदार्थ कहलाता है ठीक ना। चलिए अगला देख लीजिएगा, लेख प्रचालक नियम दिया था, अब बताइए जरा डियर स्टूडेंट लेख प्रचालक नियम कौन दिया था, चलिए बताइए ये भी आपका खास क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिएगा आपका 72 95 2580 इस नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीन शॉट भेजिए, 399 रुपया आपको फटाक से पीडीएफ मिल जाएगा ठीक ना। लेख प्रचालक नियम कौन दिया था, देखिए
तो यह जो दिया था कौन दिया था, यह आपका दिया था जेकब तथा मोडास, ठीक है ना, ऑप्शन क्या होगा डी। चलिए अगला देखिए, पूछा जा रहा है क्या, देखिएगा फास्फोरस निम्नलिखित में से किसका घटक है, डी है, जल्दी से जल्दी बता दीजिए फास्फोरस का मात्र किसका घटक है, ठीक है ना। चलिए बताइए जरा, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फास्फोरस जो आपका जो ना इनमें से सभी का घटक है, देख लीजिए किसका किसका, न्यूक्लिक एसिड का, साथ ही जैविक झिल्लियां का, कोशिका उत्सर्जन स्थानांतरण की प्रणाली, इसका सबका घटक क्या है, तो आपका फास्फोरस है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन आपका न्यूक्लियोटाइड है, बताइए जरा डियर स्टूडेंट। देखिएगा न्यूक्लियोटाइड, देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियोटाइड, देखिए न्यूक्लियोटाइड आपका क्या है, 26 का बताइए जरा, देखिए यूरिडिक अम्ल, ठीक ना, यूरिडिक अम्ल आपका क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए बहुत बढ़िया, कम प्रश्न बचा हुआ है, 2 से 3 मिनट। चलिए डीएनए, अब देखिए पूछा जा रहा है क्या, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार आपका उपस्थित होता है, अब बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों, डीएनए में पूछा जा रहा है कौन सा नाइट्रोजन जीनस क्षार आपका उपस्थित रहता है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों यह जो आपका होगा कौन होगा, तो आपका यू हो जाएगा, यूएजी बोल सकते हो, यूएजी, ठीक ना, ऊपर में भी क्वेश्चन बता दिया था यू है, तो ऑप्शन में यू ही लगाइएगा। चलिए देखिए, किसी प्रोकैरियोटिक में डीएनए एवं आरएनए का अनुपात कितना है, तो 1/2 है, यानी कि कहने का अर्थ क्या हुआ, 1:2 है, तो इसमें यूकैरियोटिक का अनुपात क्या होगा, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन खास है आपके लिए और एग्जाम के लिए भी ज्यादा खास है, देखिए 1:1 होगा, ठीक ना, यानी कि 1/1 बराबर क्या होगा, 1 लगा सकते हो आंसर, ठीक ना, ऑप्शन ए मार सकते हो। चलिए निम्नलिखित में से पूछा जाए क्या, निम्नलिखित में से कौन आरएनए के लिए उपयुक्त नहीं है, अब बताए जरा मेरे प्यार, 29 नंबर आरएनए के लिए कौन आपका उपयुक्त नहीं है, 29 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यह जो है ना आपका थायमिन जो है आरएनए के लिए उपयुक्त नहीं है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए प्रोकैरियोटिक अनुवंशिक तंत्र निहित है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों प्रोकैरियोटिक अनुवंशिक तंत्र निहित है किसमें, तो यह जो होगा डियर आपका किसमें निहित होगा, यह आपका हो जाएगा हां, चलिए डीएनए हिस्टोटीन हिस्टोन रहित में, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए देखिए डीएनए अणु में साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ा रहता है, अब बताइए जरा डियर स्टूडेंट, डीएनए अणु में पूछा जा रहा है साइटोसिन जो है आपका हमेशा किससे जुड़ा होता है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों आपका गुआनिन से जुड़ा होता है, किससे, गुआनिन से, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, और यहाँ पर देखिए आपका नंबर दिया गया, कॉन्टैक्ट जरूर कीजिए अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, और पेमेंट करके उसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजिए। डीएनए की जाँच की विधि क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों, डीएनए के जाँच की विधि यार, चलिए बताए जरा 32 नंबर, डीएनए के जांच की विधि क्या कहलाता है, देखिए आपका देखिए फ्यूकोजेन रिएक्शन कहलाएगा, क्या कहलाता है, फ्यूकोजेन रिएक्शन, डीएनए के जांच की विधि क्या कहलाएगा, डिरेक्शन फ्यूकोजेन रिएक्शन। चलिए 33 देख लीजिए, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजीनस क्षार आपका है, अब बताए जरा डियर डीएनए में कौन सा नाइट्रोजीनस क्षार आपका रहता है, देखिए डीएनए का अगर बात करें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का, तो ATGC रहता है, ठीक है ना, ऑप्शन क्या होगा, 33 नंबर क्वेश्चन है ना, 33 का राइट आंसर क्या होगा, यूएजी, चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए डीएनए में निहित पिरामिड आपका क्या, अब देखिए डीएनए में जो आपका पिरामिड रहता है वो आपका क्या है, तो देखिए साइटोसिन तथा गुआनिन हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का बिल्कुल राइट होगा, 34 नंबर का, ठीक ना, ठीक ना, थायमिन तथा साइटोसिन, सॉरी ये होगा थायमिन और साइटोसिन हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक ना, याद रखिए सब क्वेश्चन। 35 नंबर देख लीजिए, लास्ट आपका काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, देखिएगा एंटीकोडोन किससे संबंधित है डियर स्टूडेंट, देखिए एंटीकोडोन का अगर बात करें यह जो आपका संबंधित होगा टीआरएनए से, स्मॉल टी और आरएनए से, और फाइनली मेरे प्यारे बच्चों आज कितना क्वेश्चन बताए, तो आपका जो ना 35 क्वेश्चन बताए, 35 में से आपका कितना आशा करते हैं 35 में 35 हुआ होगा, तो आप बच्चे वीडियो देखिएगा कमेंट में जरूर लिखेगा, और साथ ही जो बच्चे चैनल से नहीं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पीडीएफ नहीं लिए तो नंबर आपको दिख रहा है 7201-25-280 पे कॉल में से जरूर, और हम मिलते हैं रात्रि के 8 बजे लाइव क्लास हिंदी में, सभी बच्चे जरूर जुड़िएगा और सभी बच्चे अपने दोस्त को भी जोड़िएगा, ठीक ना, मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों रात्रि के 8 बजे, तब तक क्लास मेरा दिल से प्रणाम, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए तब आपका रिवीजन होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।